हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सबसे पहले तुम सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा मैसेज था, मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। पर तुम सबको थैंक यू इसलिए बोलना चाहता हूँ कि तुम सब मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो। इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, तुम सबका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। मेरे को मैक्सिमम मैसेज ये था, भैया मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर कैसा है, भैया मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर कैसा है। देखो, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो कुछ दिन में बना दूंगा। देखो, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, एक बार बताना चाहता हूँ। मेरे पास ना CSIT ये सब के रिगार्डिंग का पूछोगे भैया क्या प्लेसमेंट है, तो मैं तुमको जस्ट बता सकता हूँ। मेरे पास एक बच्चे का प्लेसमेंट का PDF है, कौन बच्चे है, कितने प्लेसमेंट हुआ, CSIT या CS रिलेटेड कोई भी ब्रांच स्पेशलाइजेशन किसी के बारे में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। पर मैं क्या कर रहा हूँ, कोर ब्रांच हो गया वो सबका क्या प्लेसमेंट है उसके रिगार्डिंग में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसके रिगार्डिंग बेस्ट रिव्यू बनाऊंगा, वो मेरा बेस्ट रिव्यू होगा, ठीक है। और बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी जो फालतू इधर उधर का वीडियो बनाते हैं उसके बात पे मत पड़ो। कोई भी कॉलेज ज्वाइन करो, चाहे मणिपाल को करो, VIT किसी को करो, ट्राई करो उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे बात करने का। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देख ले क्या है यहाँ पे, तुम देख सकते हो, शायद दिख रहा होगा तुमको यार, एक एक बच्चे का प्लेसमेंट का PDF है, कौन कौन से ईयर का है, सारा मेरे पास है। CSIT का, CSIT हो गया तुम्हारा, EC वाले का मिल गया है, बाकी मैकेनिकल टेक्निकल सबके रिगार्डिंग मैं ट्राई करूंगा कुछ दिन में वीडियो बना देने का। इसी का थोड़ा टाइम दो मेरे को, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो मेरे को भी, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेरे लिए कुछ मेहनत करो बस। और आज मैं डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैंने बताया था केमिस्ट्री कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके रिगार्डिंग मैं लाया हूँ। 3-4 दिन से मैं दोस्त लोग से बात कर रहा था और मैं थोड़ा टाइम लग गया, बहुत मैसेज था भैया जल्दी जल्दी डाल दो एग्जाम आ रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ तुम का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। पर देखो थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं इधर उधर से वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। मैं एक भी वीडियो बनाऊं पर वो वीडियो मेरा बेस्ट वीडियो हो, इसका ये सोच करके मैं वीडियो बनाता हूं। देखो मैं बता देता हूं कौन कौन चैप्टर कर लोगे, और जो मैं बता रहा हूं वो मैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके बना रहा हूं, ठीक है। मेरे पास जितना भी स्क्रीनशॉट था लैपटॉप में, सारा स्क्रीनशॉट मिल गया, मैं वो भी ट्राई करूंगा एग्जाम से कुछ दिन पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देने का, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन आया उस टाइप पैटर्न तुम देख सकते हो। देखो मैं सबसे पहले डिस्कस करके बताता हूं, सबसे पहले ऑर्गेनिक में कैसे तुमको स्ट्रेटेजी करना है। देखो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन थोड़ा सा कम था, ठीक है, जितना भी मैं पेपर देखा हूं सब में ऑर्गेनिक से कम क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर से था तुम्हारा, प्रत्येक पेपर में, इच पेपर में तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर से था। तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो ऑर्गेनिक में, तुम बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर एवरी राइप कर लो, 2 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर और एवरी राइप कर लो, 2 क्वेश्चन लगभग तुम्हारा बन जाएगा। उसके बाद क्या करते हो, तुम्हारा ऑर्गेनिक खराब है, भैया मेरा तो ऑर्गेनिक खराब है, अब मैं क्या करूं, तो कुछ मत करो, नेमिंग रिएक्शन जहां से भी हो, यूट्यूब से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ो, जहां से हो सकता है तुम नेमिंग रिएक्शन को पढ़ो। उसके बाद 30-40 नेमिंग रिएक्शन उसे कर लो, उसके रिएजेंट देख लो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, ये सब का रिएजेंट देख लो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन हमेशा था, सारा पेपर में था, वो तुम्हारा नोमेनक्लेचर से था, नोमेनक्लेचर से था, और प्लस आई इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट का तुम्हारा एसिडिक स्टेट ये वाला क्वेश्चन था, तुम्हारा सब पेपर में था, लगभग मोस्ट ऑफ द पेपर में था। उसके बाद मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से देखो मेरे को थोड़ा कम क्वेश्चन मिला, बहुत कम क्वेश्चन मिला, तो इनऑर्गेनिक में था भी तुम्हारा तो पीरियड टेबल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीरियड टेबल को पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला। हाँ, एक पेपर में मतलब 2 क्वेश्चन लगातार पीरियड टेबल का था, बाकी नहीं मिला। पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीरियड टेबल कम से कम पढ़ लो, कहीं नहीं पढ़ना चाहते तो मेरा नोट्स को पढ़ लो, नोट्स ऑलरेडी अपलोड है। पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स 2-3 क्वेश्चन मेरे को मिला, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना, तुम इतना कर लो ऑर्गेनिक में सफिशियंट, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इससे क्वेश्चन तो बहुत कम ही था पर इससे क्वेश्चन बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है, क्लास 12 का पोर्शन को ज्यादा वेटेज दे रहा है मणिपाल, इस बात को मानो, तुम मानो एक बात मैं बता रहा हूँ, जितना भी एनालिसिस किया, फिजिक्स का एनालिसिस हो गया है, कुछ कुछ मतलब एक दो दोस्त के पास और मेरा स्क्रीनशॉट है वो सब शेयर करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बना दूंगा फिजिक्स के रिगार्डिंग भी कुछ दिन में। और मैथ्स और केमिस्ट्री जो बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, लगभग 2-3 तारीख के बाद से तुम्हारा रेगुलर वीडियो आएगा, रेगुलर वीडियो आएगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। और इंग्लिश के रिगार्डिंग वीडियो आने वाला ही है, इंग्लिश से फुल मार्क्स आएगा, इस बात का गारंटी देता हूँ। और मैथमेटिक्स का जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊँ उसे फॉलो करते हो, मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा तुम्हारा, ठीक है। ऑर्गेनिक में मैंने बता दिया, ठीक है। और याद रखना 12th का पोर्शन ज्यादा वेटेज था एग्जाम में, सारा स्लॉट में तुम्हारा। उसके बाद भैया इनऑर्गेनिक में क्या करूँ, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले तुम सॉलिड स्टेट करना, एक क्वेश्चन था तुम्हारा पैकिंग इफिशियंसी वाला से, एक क्वेश्चन था तुम्हारा लगभग, और तुम्हारा डिफॉल्ट वाला तो था। उसके बाद तुम देख लोगे सॉल्यूशन कर लेना प्लीज, केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना कर लेना। उसके बाद तुम सबसे पहले उसके स्टेट ऑफ मैटर पे जंप करना, किस पे करोगे, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर से क्वेश्चन था वो ग्राफ वाला तुम्हारा, स्टेट ऑफ मैटर से क्वेश्चन था। उसके बाद तुम्हारा सॉल्यूशन तो बता ही दिए, बहुत मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन लगभग उसी से था तुम्हारा। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, क्लास स्टेट ऑफ मैटर करने के बाद इक्विलिब्रियम हो गया तुम्हारा, और स्टेट ऑफ मैटर इक्विलिब्रियम ज्यादा जितना हो सके उतना करो, पर इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था तुम्हारा बता दिए। और बाकी देखो मेरे को सबसे ज्यादा वेटेज क्लास 12 का पोर्शन से लगा है। देखो मेटलर्जी से भी 2 क्वेश्चन था तुम्हारा, मेटलर्जी से
ठीक है, मेटलर्जी को मत छोड़ना, मेटलर्जी का एनसीईआरटी देख लो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है, और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है मैं पेपर में लगभग मैं जो जो आया हुआ है मैं पेपर में लिख लिया हूँ, उसे खुद से डिस्कस कर दूंगा, पर मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा सा, प्लीज मेरे को टाइम दो थोड़ा सा। और बाकी मेरे को बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मैसेज था, मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, प्लीज मेरे को मतलब माफ कर देना, ठीक है, बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ बस मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो जिससे कि मैं और आगे वीडियो बना सकूँ, मेरे को भी अच्छा लगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी को अच्छा लग रहा है, बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ट्राई करो कुछ दोस्तों शेयर करने का, वीडियो को लाइक करो जिससे कि और मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, अपना अच्छा सा कमेंट दो, हाँ भैया आप अच्छा कर रहे हो, या फिर कुछ भी एक अच्छा सा 1% भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज ट्राई करना मेरे छोटे से फैमिली का मेंबर बन जाने का, और मेरी वीडियो को लाइक करने से कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है। मैं बता दिया हूँ, देखो ऑर्गेनिक में क्या सबसे पहले क्या बता दिया, फिजिकल का बता दिया, क्लास 12th का पोर्शन का पूरा अच्छा से करो, ठीक है, और तुम्हारा ऑर्गेनिक का तो बता ही दिया मैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एवरेज लाइफ, नेमिंग रिएक्शन, और तुम्हारे रिएजेंट, वो करने के बाद तुम इसको छोड़ सकते हो तो ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है तो, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन हार्ड था तुम्हारा, 3-4 रिएजेंट को मिला मिला के दे रहा था, तुम फिजिकल पे और इनऑर्गेनिक पे फोकस करो, मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा। बस मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, कुछ दिन के लिए, पर मैं ट्राई करूंगा 2 तारीख से तुम्हारा रेगुलर वीडियो मणिपाल के रिगार्डिंग, सिर्फ मणिपाल के रिगार्डिंग तुम्हारा आएगा, और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तुम पता है मणिपाल में क्या होता है ना, स्कॉलरशिप, बहुत सारा स्कॉलरशिप होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, मणिपाल सा मेन कैंपस का कॉलेज में तुम 6 से 7 लाख में पढ़ सकते हो, ये सब के रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहिए सबके रिगार्डिंग तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और पर्सनल कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मैं इंस्टाग्राम पे आके रिप्लाई करूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है पर मैं तुम्हारे रिप्लाई करूंगा। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। याद रखना क्लास 12th का पोर्शन का ज्यादा वेटेज था, जितना मैं बताया उसका ज्यादा वेटेज मिला है मेरे को, और बहुत सारा चैप्टर था वो सबको मैं छोड़ दिया, वो सबसे मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला था, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था तुम, बस मैं ट्राई करता हूँ कुछ दिन में वीडियो रेगुलर डालने का, ठीक है, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ अभी 1-2 दिन तक, 2-3 तारीख से वीडियो रेगुलर आएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले उस कॉलेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे बात करो, इधर उधर किसी के ट्रैप में मत फंसो, वो लोग खुद नहीं पता होता और किसी भी कॉलेज का रिव्यू कर देते हैं, बस मैं इतना ही भाई हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उससे बात करो, जैसा कि तेरे को पता है मेरा मोस्ट ऑफ द कॉलेज का लिंगा हो गया, BIT हो गया, SRM, किसी भी कॉलेज में देख लो, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में मेरा फ्रेंड है, मेरा सीनियर है, जूनियर तो लास्ट 2 साल से कर, जूनियर तो है ही, बस कोई भी डाउट आता है अपने इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू।